मिष्टी कहाँ है? बड़े पापा आप मिष्टी कहाँ है? अबीर, शादी के समय आपने मिष्टी से वादा किया था कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। कल आपने हमसे वादा किया था कि आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, और आज आज आपने अपने दोनों वादे तोड़ दिए। पीचांबर जी, मिष्टी को इस घर से जाना ही था और वो अपनी मर्जी से गई है। इसमें मेरे बेटे अबीर की कोई गलती नहीं है। बड़े पापा, मत कहिए हमें बड़े पापा। हमने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में दिया था अबीर, और अब हम आपको 2 घंटों की मोहलत देते हैं। 2 घंटों के भीतर अगर हमें मिष्टी नहीं मिली तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा। हमारी बेटी अपनी मर्जी से कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मीनाक्षी जी, मानसिक उत्पीड़न कानूनन अपराध है। आप और आपका पूरा परिवार हमारी मिष्टी का अपराधी है। विशंभर जी, अब जेल में बैठकर सोचिएगा अपने असली वारिस के बारे में। इस घर की बहू होने से पहले आप हमारे घर की बेटी हैं। अगर यहां पर आपको कोई भी दिक्कत आए तो हमें फौरन बताइएगा। बड़े पापा, अबीर तुम? हेलो विनोद जी, आपने पता करवाया रेलवे स्टेशन पे कोई टिकट बुकिंग हुई थी मिष्टी के नाम पे? जी सर, मिस्टर राजवंश के नाम से कोई ट्रेन की टिकट बुकिंग नहीं हुई है। ओके, थैंक यू। नानको, ऑफिस कॉल करके पूछना एयरलाइन की बुकिंग हुई थी क्या। अबीर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नानको, रेड पेयर कॉल करके पूछ बुकिंग हुई थी या नहीं। एक मिनट, तुम्हें जो भी करना है अबीर अपने बलबूते पर करो, मेरी कंपनी के सहारे नहीं। ये वही कंपनी है ना जो आपने मिष्टी के नाम कर दी थी? या हेलो, कोई बुकिंग नहीं है। ओके, थैंक यू। अब तो बस अड्डे ही बचा है बस। अबीर मेरी बात सुनोगे तुम? मैं मिष्टी को लेके आता हूँ। अबीर! माँ, अपना भाई रुकेंगे और ना मैं रुकूंगा, प्लीज मत रुकिए। ओह रियली? पूरे शहर में 14 बस अड्डे हैं और हर बस अड्डे पर 1000 लोग। मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग मिष्टी को कैसे ढूंढ पाओगे। माँ पानी पी लीजिए। बाबूजी, मिष्टी जी, मिष्टी डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, आप क्यों चल रही हैं? आराम से बेटी, माँ का आराम होती है। और मेरी बेटी कहाँ है किसी को कुछ भी नहीं पता। पिछली बार आपने अपनी मनमानी की थी, मेरी अक्षरा को मुझसे छीन लिया, लेकिन इस बार मैं मनमानी पर उतर आई हूं। मुझे मेरी मिष्टी वापस चाहिए। हाँ, आप जितना हो सके उतने बस स्टॉप कवर कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। कुणाल, आई होप मिष्टी मिल जाए यार, मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूं। मैं मिल जाएगी। मिष्टी इनका आशीर्वाद है शौर्य की माँ, और आशीर्वाद देकर वापस नहीं लिया जाता। हमारी मिष्टी जरूर लौटेंगी।
एक सेकेंड। हेलो प्रकाश, वो ड्राइवर मिला क्या? हाँ सर मिल गया, ये लीजिए बात कीजिए। भाई वो ड्राइवर मिल गया जो मिस्टी को लेके गया था। हेलो भैया, आपने जहाँ उन्हें छोड़ा था उसके आसपास कोई बस स्टॉप या बस स्टेशन था क्या? मैडम छोटे चौक वाले बस अड्डे पर उतर गई थी। कितनी देर पहले? करीब एक घंटा हो गया और मैडम पूरे रास्ते रो रही थी सर। ओके थैंक यू। भाई लेट्स होप कि मिस्टी अभी भी वहीं पे हो। आई नो मिस्टी वहीं है, चल। ये जो लड़की है ना, इसके पास पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की चाबी है, ये उन्हें सॉल्व कर सकती है। पांच मिनट में मेरी बस आ जाएगी, उसके बाद मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी अबीर। Faster. Don't worry, bhai. कहाँ चली गई मिस्टी? लेफ्ट ले ले आगे से। बस। अनको, तू इस तरफ देख, मैं वहां देखता हूँ। ओके भाई। ओके। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? नहीं 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 कुणाल, मिस्टी यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं उसे। ओके भाई। दोनों ने तय किया था रहना हमको संग ही था, दूरियां आई दरमियां कैसे, गर्दिशों में है सितारे रस्ते हमारे, दूरियां आई दरमियां कैसे, साथिया मेरे मैं तो तेरा दीवाना था, सारे जहां से बेगाना था, तेरी धुनों का तराना था साथी। थैंक गॉड, तुम जाओ मिस्टी, जाओ। तुम जा रही थी ना, जाओ
भाई क्या? नहीं गुना, मिष्टि तुम यहाँ जाने के लिए आई थी ना, चलो जाओ। अबीर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि तुम और मैं तभी खत्म हो गया था जब तुमने खुद से ये फैसला लिया मुझे छोड़ के जाने का। अबीर भाई नहीं नानको, अगर हम एक सेकंड भी लेट आते तो मिष्टि तो जा ही रही थी ना। तो मिष्टि अब भी मत सोचो जिसको। अबीर आई एम सॉरी प्लीज अबीर। नो मिष्टि, तुमने मेरे बारे में सोचे बिना जाने का फैसला ले लिया तो अब जाओ, बस इतना बता दो क्यों। सब बिखर रहा है अबीर, हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारा परिवार, सब बिखर रहा है सिर्फ मेरी वजह से। तो तुमने सोचा कि अकेला अबीर ही बिखरे ना, मैं क्या फील कर रहा हूँ उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाओ, जस्ट गो मिष्टि। अबीर ये लो, अबीर जाओ। अबीर भाई सुन, अबीर प्लीज रुक जाओ, अबीर रुक जाओ प्लीज। माँ बाबूजी मिष्टि मिल गई है। अबीर ने उसे ढूंढ लिया। माँ तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। मतलब अबीर और मिष्टि दोनों साथ हैं? कुहू ने बताया कि कुणाल और अबीर वो दोनों उसे लेकर उनके घर पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हमें जाने दीजिए शौर्य की माँ। देखिए मैं आपको जाने से बिल्कुल नहीं रोक रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि आप मिष्टि को थोड़ा समय दीजिए। आप जानते हैं ना अबीर उसकी जिंदगी में क्या मायने रखता है। उसके बाद भी वो अपने अबीर को छोड़कर जा रही थी, हम सबसे दूर जा रही थी। आप जरा सोचिए शौर्य के बाबूजी उसकी क्या हालत रही होगी, वो कितनी अकेली पड़ गई होगी। और आप चाहती हैं ऐसी हालत में हम उन्हें उसी घर में रहने दें? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप मिष्टि को संभालने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि अबीर से बेहतर मिष्टि को कोई नहीं संभाल सकता है। बस एक बार थोड़ा सा संभल जाए, मैं खुद आपके साथ चलूंगी मिष्टि को वापस लाने के लिए। सच मिष्टि तू पागल है, मेरे साथ सपना मैम का डायलॉग बोल के मुझे बुद्धू बना के चली गई। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो आओ, मैं बताता हूँ आओ। मिष्टि बताओ क्या हुआ था? मैंने तुम्हें कल हॉल में देख लिया था अबीर, तुम्हारी हंसी झूठी है, तुम झूठे हो, मैंने तुम्हें झूठा बना दिया अबीर। नहीं मिष्टि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने अपना दर्द नहीं छुपा रहा, हर सिचुएशन से हर प्रॉब्लम से ऐसे ही डील करते हैं। मैं दुखी हूँ, हम दुखी हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मेरा दुख कम हो जाएगा? मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा सपना देखा था, वो सपना पूरा नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सपने ही नहीं देखूंगा। कुछ देर पहले ऐसा हो सकता था लेकिन अब नहीं, आई एम सॉरी। एक एंग्री चोरनी ने मेरे सारे सपने चुरा लिए और उन सपनों को अपना बना लिया। आई एम सॉरी अबीर। मिष्टि रोना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि माँ ने क्या कहा था तुमसे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शादी का शगुन। आप अपने बेटे की दूसरी पत्नी के लिए इतना कुछ दे रही हैं, पहली पत्नी के लिए कितना कुछ दिया होगा? इससे भी ज्यादा मिलेगा, पर बदले में मुझे अपने घर का असली वारिस चाहिए मिसेस उदेशी। जैसा आप कहें। गोर्धाना, तलाक के बाद 3 महीने काफी है ना शादी की तैयारी के लिए? आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो 3 महीने में तो हम शादी की तैयारी आराम से कर सकते हैं। केशव, जय श्री कृष्ण। केशव गाड़ी निकलवा। मिष्टि को अभी से दूर करना मुश्किल काम था, अभी से दूर होकर अब मिष्टि की हिम्मत टूट गई है। अब एक आखिरी काम, मिष्टि से तलाक के कागजात पर सिग्नेचर्स लेने हैं। मानीन की गोलियों की पूरी बोतल लेने वाली थी अबीर, मेरी वजह से, क्योंकि मैं उन्हें उनका वारिस नहीं दे सकती। इस बार तो मैंने उन्हें
उन्हें करने से रोक लिया अबीर, लेकिन मैंने सोचा कि अगर दोबारा उन्होंने ऐसी कोशिश की तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अबीर, हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि सॉरी। नहीं अबीर, उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन बेबी ना होने की बात पर वो बहुत हर्ट हुई थी। मिष्टी, हर्ट तो सब हुए, सबसे ज्यादा तुम और मैं, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश की ना। इसे माँ की तरह एक दूसरे को ब्लैकमेल करने पे नहीं होता रहा है। अबीर, उनकी गलती नहीं है। माँ को मैं संभाल लूंगा, उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज तुम आज के बाद मुझे छोड़ के जाने का फैसला मत लेना, या ऐसी कोई स्टूपिड लेटर्स मत लिखना, क्योंकि तुम चली गई ना तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। आई नीड यू, आज कल हमेशा, ओके? मैंने भाई को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा कहूँ। भाई ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, काश ऐसा कोई तरीका होता कहूँ जिससे मैं भाई की मदद कर पाता। मैं एक सेकंड में हाँ कह देता। भाई लिसन, आराम से ना थोड़ा प्लीज। गुनाल फिक्र मत कर, हाँ लेकिन तू बीच में मत आना। मिष्टी, ओ माय मदर, शुक्र है तुम आ गई। ऐसा कोई करता है क्या? अब दोबारा से मुझे ऐसा रॉक मत देना, प्रॉमिस करो। रॉक नहीं, शॉक होता है मामी। ओके गो टीचर, सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट। अब बिनभा आने से पहले आई डू फास्ट फास्ट आरती। हां माँ घर पे नहीं? पता नहीं, चलो ना तुम सब अंदर चल। मिष्टी, रिलैक्स मामी। हाँ बे, पर कैसे? बिनभा किसी भी वक्त आ जाती है और आती गुस्सा करने लगती है। काश हम सबके पास इस समस्या का कोई तो हल होता। हल है मामी, जैसे मैया यशोदा को कृष्ण भगवान मिले, जैसे वर्षा आंटी को कुहू मिली, जैसे बड़ी माँ को तुम मिली, जैसे मुझे मेरा नानको मिला, वैसे ही हमें हमारा बेबी भी मिल जाएगा। हम बेबी अडॉप्ट करेंगे अबीर। That's great, congratulations भाई। मिष्टी, तुम बचपन से मिष्टी मान थी, पर आज से आप भी ब्रो महान हो गए। इस प्रॉब्लम का इससे अच्छा और नोबल सलूशन और हो ही नहीं सकता ब्रो, है ना मामी? हाँ, सब यही, रुको मैं मीठा लेकर आती हूँ। मिष्टी, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि तुम्हें दुनिया का बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाना चाहिए। फेल्टन अजीब राजवंश। नाश्ता हो रहे? चलो चलो जल्दी से, पहले तुम दोनों मुंह मीठा करो। हाँ आज तो मैं भी डाइट ब्रेक करूंगी। हाँ ठीक है, खाओ। अबीर, तुमने सोच भी कैसे लिया कि सड़क से तुम किसी को उठाकर ले आओगे और मैं उसे अपना नाम दूंगी? किसी और के पाप को इस घर में पहले पनाह मिल चुकी है। लेकिन अब मीनाक्षी राजवंश ने खैरात बांटने का काम बंद कर दिया है। आपके बेटे को देने के लिए आपके पास ममता भी नहीं, किसी और को क्या देंगी आप? ये फैसला मुझे और मिष्टी को लेना है, क्योंकि बेबी भी हमारा है। आप क्या सोचती हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तुम्हारे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इतना स्पष्ट कहूंगी कि मेरा वंश मेरा असली वारिस ही आगे बढ़ाएगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।